फिर बीजेपी की साइड से संजय सिंह के लिए कहा गया है कि वो भ्रष्टाचार के डॉन क्या कहते हैं, उनके पास सवाल ही नहीं होंगे। मैं ये कहूँ यह एक बीजेपी की चाल है, निर्दोष और दोषी इसके आकलन करने का कोई पैमाना है क्या बीजेपी के पास? आप इन लोगों की बात सुनते हैं, गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं, संबित पात्रा की बात आपने सुना कि आम आदमी पार्टी युवाओं को जो है वो बर्बाद कर रही है और ये बीजेपी वाले आम आदमी पार्टियों को रोजगार दे रहे हैं, ये करें तो बैट बल्ला, आम आदमी पार्टी करे तो गुल्ली डंडा, ये कहाँ के नियम है? आप अभी महाराष्ट्र देख लें, आप कर्नाटक देख लीजिए क्या रहा, बहुत तो इन्होंने क्विंटल के क्विंटल फूल उड़ाए। ध्यान रखना, जनता मालिक होती है, जनता फैसला सुनाती है और जो भी घटनाएं हो रही हैं ये आप लोगों की एक नाकली है कि संजय गिरफ्तार हो गए तो पार्टी का मनोबल गिर गया, अलायंस वाज नॉट एट ऑल। यू बी श्योर द बीजेपी इज गोइंग टू लूज द सीट। उन तमाम नेताओं को मैं बखूबी मीडिया पर देखता हूँ जो 7.5 महीने से ये कहते आ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया दोषी है और अभी तक सीबीआई एक भी सबूत कोर्ट में नहीं दाखिल कर पाई है। आप जवाब दें, बीजेपी का कहना मांगने के या कोर्ट का कहना? नहीं, हमारा भी ये कहना है कि बीजेपी वाले किसी भी गिरफ्तार किए थे उनमें किसी को पीट कर कूट कर धमका करके पब्लिक फील्ड में जाके पूछे, हमारे कार्यकर्ताओं से पूछे, समाज से पूछे, पूरे देश से पूछे और इसका सर्वे कराइए कि संजय सिंह भ्रष्ट है कि ईमानदार है। वो बन गए, वो बनाए गए हैं, ये तो उनका ही विश्वास है ना, हमारी पार्टी के विश्वास नहीं है। किसी को बुला सकते हैं, वो तो पीट करके। मैं किसी भी तरीके से हताश निराश नहीं हूँ, ये मेरे कार्यकर्ता और पत्रकार भी जानते हैं।